रहती हैं, हर वक्त मुझे डांटती हैं, कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। मेरी मम्मा तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। ऐसा ही हम सब सोचते हैं ना अपनी मम्मा के बारे में। तो चलिए आज मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि हमारी मम्मा हमें बार बार क्यों डांटती है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और बाद में आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और फिर वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि हमारी मम्मा गलत है या हम गलत हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद ईशा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत गर्मी है आज बाहर। आज बहुत देर खेला, आज छुट्टी है ना, हॉलीडे है ना, बहुत थक गई, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। ईशा, ये तुम क्या कर रही हो? शूज तुमने घर में निकाला है और वैसे ही सो गई बेड पे जाके। चिल मॉम। अरे अरे अरे, पानी तो मत पियो। मम्मा, मैं थक गई हूँ, अब प्यास लगी है, पेड़े दो ना पानी मुझे। तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हो, जाने दो। मम्मा ने मुझे क्यों डांटा? अगर मैं आने के बाद ये शूज जगह पर रखती, हाथ पैर धो लेती और फटाफट चेंज करके यहाँ पर बेड पर आकर दो घूंट पानी पीती तो मम्मा मुझे नहीं डांटती। तो फिर गलती किसकी है, मम्मा की या हमारी? ईशा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी पढ़ाई हो गई? सब बुक्स कंप्लीट है? नहीं, कल कर लूंगी मैं। इतने नजदीक से तो मत देखो वीडियो, आंखें खराब हो जाएगी तुम्हारी। कल से बंद कर दूंगी मम्मा। तुम्हारा कल कभी नहीं आता, मुझे पता है। मुझे मम्मा हमेशा बोलती थी नजदीक से टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें इग्नोर करती थी। अब मुझे पता चला कि मम्मा मुझे क्यों डांटती थी। उस वक्त उनका सुना होता तो बेटर होता। तो मम्मा क्या हमारी बुराई के लिए डांटती है? फटाफट खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। और यहीं पर लेकर आ, मैं बेड पर ही बैठकर खाना खाती हूँ। अरे किचन में बैठ के खाना खाओ और उसके पहले अच्छे से हाथ धो लो। मेरे हाथ तो साफ है मम्मा, आप खाना लेके आओ। खाना टेस्टी था। अरे अरे, इतना पानी तुम क्यों पी रही हो? तुम्हें पता नहीं खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं पीते है? उससे क्या फर्क पड़ता है मम्मा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और चींटियां भी काट रही हैं। शायद मैंने हाथ नहीं धोए
सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिए ना? आज पीटीए मीटिंग है 12 बजे, तब सब सबमिट करना है हमें। नहीं ना मम्मा, सिर्फ मराठी के असाइनमेंट्स कंप्लीट है और 12 बजे तो सब कुछ सबमिट करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी सारे असाइनमेंट्स? अब मुझे कम मार्क्स मिलेंगे क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं है। अगर मैं मम्मा की बात मानती तो मुझे मार्क्स भी अच्छे मिलते और मेरे असाइनमेंट्स भी कंप्लीट होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आया कि हमारी मम्मा हमें क्यों डांटती है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है। हमारी मम्मा सिर्फ हमारी मम्मा ही नहीं बल्कि हमारी वेल विशर होती है। अगर आपकी मम्मा आपको डांटती है तो उसे सही वे में लीजिए और उनकी हर बात मानिए, क्योंकि उनसे ज्यादा केयरिंग पर्सन आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये मॉरल एक्टिंग अच्छी लगे होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है क्रिएटिव लाइफ विद ईशा, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक एक्टिंग वीडियो अपलोड किया है और उसका सजेशन मैंने आई बटन में दिया है, और साथ ही साथ मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जरूर रखूंगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।